आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। परसों आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैं और डूटा और फेट कुटा के प्रेसिडेंट राजीव रे मिले थे यूनिवर्सिटी के हेल्थ इश्यूज पे बात करने के लिए। आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी, हम लोग क्या करते हैं, हमारा काम क्या है। और संयोगवश मैं और राजीव दोनों के आंख से आंसू निकल गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे दोस्त खोए हैं। रोज सोशल मीडिया पे लिखना मुझे अच्छा नहीं लगता है, उससे लोगों का मनोबल टूटता है, इसलिए मैं नहीं लिखता सोशल मीडिया पे। लेकिन वो वेदना, वो तड़प हमारे अंदर है और लगातार ये सवाल हम उठा रहे हैं इस आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। मैं भी बीमार था, मेरा बेटा भी बीमार था, मेरी वाइफ भी बीमार थी, लेकिन कभी हमने कोई निगेटिव खबर, हम इलाज करेंगे। और इस सिलसिले में अपूर्वानंद जी ने बढ़िया एक लेख लिखा है जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, उनसे बात हम करेंगे। लेकिन जानते हैं आज मैं आपसे क्यों मिल रहा हूँ? एक शानदार छात्रा ने एक शानदार बातें कही हैं। गोल्डन सिंह हैं, एमए कर रही हैं और उनको मैं 3 बार सुन चुका हूँ और सुनते सुनते मुझे इतना बेहतरीन शानदार लगा। उन्होंने एक वीडियो बना के मुझे भेजा और मैं 3 बार जब सुना तो मुझे लगा कि नहीं, वो वीडियो आपसे साझा किया जाना चाहिए। सुनिए एक विश्वविद्यालय की छात्रा क्या समझती है विश्वविद्यालय के बारे में, क्या समझती है वाइस चांसलर के बारे में, क्या समझती है प्रोफेसर के बारे में और क्या समझती है सरकार के बारे में। ये सुन के मैं बहुत क्या कह सकते हैं, मैं इतना थ्रिल्ड हो गया कि मुझे लगा कि मैंने 23 साल जो पढ़ाया है इस छात्रा ने अगले 15 मिनट में समेट दिया। शुक्रिया। इस छात्रा के पूरे भाषण को आप जरूर सुनिएगा। अंबेडकर नामा में आपका स्वागत है। आज हम अंबेडकर नामा में बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज की। आई एम गोल्डन, एमए सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक पैंडमिक के दौर में जी रहे हैं, जहां हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के इकोनॉमी से लेकर के एजुकेशनल सिस्टम तक कोलैप्स कर चुका है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट दैट आई कैन टॉक अबाउट इज द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी, दैट हाउ यूनिवर्सिटी हैज played its role in dealing with the corona pandemic. जब हम university as a student, this is my perception जो university को लेकर के है। और जैसा कि हम बात करें university की, university जब establish होती है उसके कुछ core ideas होते हैं, कुछ core principles होते हैं। जब हम एक university establish करते हैं तो हम एक idea के साथ जाते हैं कि एक आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी क्या होगा। तो अगर हम बात करें जॉन हेनरी न्यूमन की, तो जो इस टर्म के साथ आए थे, उन्होंने किताब भी लिखी है कि द आइडिया ऑफ अ यूनिवर्सिटी, जिसमें वो कहते हैं कि अगर उनसे पूछा जाएगा कि यूनिवर्सिटी क्या होती है, तो वो कहते हैं कि इट वुड बी अ स्कूल ऑफ यूनिवर्सल लर्निंग, माने जिसको वो खुद ही एक्सप्लेन करते हैं कि द डिस्क्रिप्शन इम्प्लाइज द असेंबलेज ऑफ स्ट्रेंजर फ्रॉम ऑल पार्ट्स इन वन स्पॉट, माने कि एक जगह पर ही बहुत सारे अनजान लोगों का जो झुंड हो, जो जमाव होगा, उसको वो कहेंगे। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो मतलब जिसको वो खुद कहते हैं कि दैट इट इज़ अ स्कूल ऑफ नॉलेज ऑफ एवरी काइंड कंसिस्टिंग ऑफ टीचर्स एंड लर्नर्स फ्रॉम एवरी क्वार्टर में, जिसमें वो इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं। बट सच एज दिस अ यूनिवर्सिटी सीम्स टू बी इन इट्स एसेंस अ प्लेस फॉर कम्युनिकेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ थॉट बाय मीन्स ऑफ पर्सनल इंटरकोर्स थ्रू अ वाइड एक्सटेंट ऑफ कंट्री। तो जिसमें वो एक चीज कह रहे हैं कि फिजिकल तौर पे तो ये चीज होगा कि हर टाइप की पढ़ाई हो, हर तरीके के लोग होंगे, टीचर्स होंगे, लर्नर्स होंगे, माने स्टूडेंट्स होंगे। पर जो कहते हैं कि जो एसेंस होगा यूनिवर्सिटी का, वो ये डिफाइन करेगा दैट इट शुड बी अ प्लेस
जहाँ पर कम्युनिकेशन की गुंजाइश हो सके और जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो, जिसको वो सर्कुलेशन ऑफ थॉट कहते हैं, जहाँ पे विचारों का आदान प्रदान हो जिसकी वो बात करते हैं, ये उनके लिए एक आइडियल यूनिवर्सिटी होगी। माने देखा जाए कि यूनिवर्सिटी जो है उसका उसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा सीमित कर दिया गया है, वो पब्लिक पॉलिसी हो या फिर उसके इकोनॉमिक सेंस में देख करके, कि अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो फिर आप ग्रेजुएट होकर के आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, बट यूनिवर्सिटी का ये रोल नहीं होता है। यूनिवर्सिटी का एक लार्जर रोल सोसाइटी में नॉलेज क्रिएशन को लेकर के है, नॉलेज प्रोडक्शन को लेकर के है, वो वर्तमान को लेकर के हो या वो फ्यूचर को लेकर के हो, बट जो और वो नॉलेज जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की ओर ट्रांसफर होती है, नॉलेज का ये काम है। ये आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी की जो बात हो रही है, ये एक इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जो जब हम बात कर रहे हैं, जब जॉन हेनरी न्यूमैन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, हम इस पे भी आएंगे कि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्यों ज़रूरी है आज के पैंडेमिक के दौर में, जहाँ गवर्नमेंट से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के जो वाइस चांसलर्स हैं, इन सब ने कम्युनिकेशन बंद कर दी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की गुंजाइश नहीं बची है, जब जो बहुत डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें सबको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, जबकि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, जहाँ पे ये सबके करियर से लेकर के बहुत सारी चीज़ें स्टेक पर हैं, वो प्रोफेसर्स हों या वो स्टूडेंट्स हों या फिर वो यूनिवर्सिटी हों। प्रोफेसर अपूर्वानंद का एक लेख छपा है इंडियन स्क्रोल में कि इंडियन यूनिवर्सिटी आर प्रिटेंडिंग एवरीथिंग इज नॉर्मल एज द वर्ल्ड अराउंड देम इज कोलैप्सिंग। इसका मतलब ये है कि ये जो टाइटल है उसका मतलब ये है कि इंडियन यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा दिखा रही है कि वो नॉर्मल डेज में जी रही है, जबकि उसके आस जहाँ वो स्थित है, जहाँ वो लोकेटेड है, वो जगह ही कोलैप्स कर रही है, वो जगह ही बहुत ज़्यादा सही सिचुएशन में नहीं है। तो उस ये जो लेख है वो वाइस चांसलर और एक वाइस चांसलर से लेकर के वो एक मोस्टली हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को वो लिख रहे हैं, जहाँ वो बात कर रहे हैं कि टीचर्स जो हैं जो टेम्प्ररी बेसिस पे उनको सैलरी नहीं मिल रही, कि कैसे और मदर और जो मस्जिदें हैं और जो गुरुद्वारे हैं उन्होंने कैसे इस पैंडमिक में ऑक्सीजन लंगर चलाया हुआ है जिससे समाज में मदद की जा सके, और वो उन स्टूडेंट्स की भी बात कर रहे हैं जो हॉस्पिटल बेड से लेकर के ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, उनके फैमिली हो या फिर उनकी दूर की फैमिली हो, उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन वो एक जगह एम्फसाइज कर रहे हैं कि आज की तारीख में यूनिवर्सिटीज इन चीज़ों को कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि अभी देखा जाए तो कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो एग्जाम्स लेने में बिजी है, और कुछ यूनिवर्सिटी है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसने 2 हफ्ते के लिए पोस्टपोन किया हुआ है एग्जाम को, और जो कारण दिया गया है कि जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली कमिटी है उसमें ही बहुत सारे लोग पॉजिटिव आए हैं। तो और जो जो डिस्कोर्स रहा है जो साल भर से रहा है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के है, ऑफलाइन एजुकेशन को लेकर के, एक नॉर्मल सी दिखाई जा रही है, जबकि सिचुएशन इतनी नॉर्मल नहीं है। वो कहते हैं कि जब ऑनलाइन क्लासेस जब स्टार्ट हुई यूनिवर्सिटीज ने उस चीज़ से लेना देना ही छोड़ दिया कि स्टूडेंट्स को जो मेंटल इलनेस मेंटल इश्यूज जो हो रहे हैं, जो उनको कनेक्टिविटी इशू है या बहुत सारी इशू है जिसके वजह से वो एक डिजिटल डिवाइड का शिकार हुए हैं, और जो पूरा पर्पस था जो एजुकेशन का, एक तो इंडिया में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा एज अ क्रिटिकल
माइंड तैयार, स्टूडेंट का क्रिटिकल माइंड तैयार करने के पर्सपेक्टिव से कभी नहीं देखा गया है। ज़्यादातर वो सैलरी जॉब्स के पर्सपेक्टिव से रहा है। उसमें भी जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो ये एफर्ट लेती भी थी, तो वो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वो जो उनका जो वो रश करने लगी, वो सिलेबस कम्प्लीट करने को लेकर के, वो सेमेस्टर कम्प्लीट करने को लेकर के हो, तो जो थोड़ा भी एक एनालिटिकल अप्रोच होता है एजुकेशन का, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बचा था, वो भी ख़त्म होता हुआ है। और आगे वो कहते हैं कि अकेडमिकली एंड इंटेलेक्चुअली टू यूनिवर्सिटीज़ मेड नो एफर्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू द पैंडमिक। द डिपार्टमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड लिटरेचर कुड हैव कलेक्टिवली कॉन्सेप्चुलाइज्ड एंड डिजाइंड स्टडीज एंड रिसर्च टू अंडरस्टैंड द अपहीवल द सोसाइटी वॉज एक्सपीरियंसिंग बट वी फेल्ड। जिसमें वो कह रहे हैं कि वो अकेडमिक लेवल पे या इंटेलेक्चुअल लेवल पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी कर सकती थी। यूनिवर्सिटी में जो सोशल साइंस के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो वैक्सीन बनाने में लगे, बट जो सोशल साइंस जैसे सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, वो पॉलिटिकल साइंस है, ये सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जो रिसर्च के साथ आ सकते थे, वो स्टडी डिज़ाइन कर सकते थे इस चीज़ को लेकर के कि जो सोसाइटी में अपहीवल हो रहा है, वो माइग्रेंट क्राइसिस से लेकर के वो डिजिटल डिवाइड हो, या फिर वो पॉलिटिकल अरेना में जो चीज़ें घट रही थी, पॉलिटिकल या सोशल अरेना में जो चीज़ें घट रही थी उसको लेकर के वो जो कर सकते थे वो नहीं कर रहे। तो वी फेल्ड जो वो कह रहे हैं वो एक कलेक्टिव चीज़ है, जो अकेडमिया जिसमें फेल हुआ है। और वो जब वो इस चीज़ को ख़त्म करते हैं तो बहुत इमोशनल नोट पे ख़त्म करते हैं, जहाँ पे वो एक स्टूडेंट का एक मैसेज वो वहाँ पर लिखते हैं कि जो उनके स्टूडेंट ने भेजा हुआ है, कि जो वो स्टूडेंट जो हु इज़ आस्किंग फॉर अ ब्रेक, वो जो एग्ज़ाम जो वो कह रहा है कि ये नहीं है कि वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, पर वो इस मेंटल स्थिति में है जहाँ पे वो कुछ दिन के लिए ब्रेक चाहते हैं, जहाँ पर वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं। और वो सिर्फ अपने लिए नहीं, जो कोविड से गुजर रहे हैं या जिनकी फैमिली में, वो जबकि सब के लिए, क्योंकि वो एक मनोस्थिति को दर्शाता है। क्योंकि जब आप जिस सिटी में हैं वहाँ पर जो हालात हैं वो सही नहीं है, तो इस सिचुएशन में बैठ करके अपनी अकेडमिक एक्टिविटी को कंटिन्यू करना, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इंक्लूडिंग मी, जो बहुत मुश्किल रहा है। अगर हम प्रोफेसर अपूर्वानंद एक डिजिटल डिवाइड की बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले मैंने एक जर्नल पढ़ा था जो प्रवत कुमार जीना ने पब्लिश करा था, जो एक असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर है इग्नू के भुवनेश्वर रीजन के, जिन्होंने जो एक डेटा देते हैं कि इस देश में सिर्फ 45% ऑफ द पॉपुलेशन है जो कि इंटरनेट या भी किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकती है। तो ये सिचुएशन देखने लायक है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक RTI की रिपोर्ट आई थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस का एक डेटा आया था, जो फाइंडिंग्स ये कहती हैं कि 2019 से लेकर के 2021 तक MA में कम से कम 49 स्टूडेंट्स ने अपना एजुकेशन डिसकंटिन्यू किया है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के 16, शेड्यूल ट्राइब के 7 और OBC 12, एंड जिसमें 14 वुमन कैंडिडेट थे। और यही नहीं, जो 2019 से लेकर के 2021 तक MPhil में मोर देन 53 स्टूडेंट्स ने अपने एजुकेशन को डिसकंटिन्यू किया है, जिसमें अगेन मार्जिनलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट वही है, जिसमें शेड्यूल कास्ट 11, शेड्यूल ट्राइब 17, OBC 17 एंड वुमेन 7। तो दिस डेटा इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स कि जो डिजिटल डिवाइड है या जो कोरोना है वो सबको एक तरीके से अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को वो ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। और रही बात डेटा की, ये सिर्फ एक स्कूल का है JNU के, JNU में ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल स्टडीज़ से लेकर के लैंग्वेज है, आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स है, और बहुत सारी साइंस स्कूल्स हैं, और अभी तक ये अकेडमिक ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, शायद ये डेटा और ये नंबर शायद और बढ़े। तो
अगर ये तो JNU का है, जो लेवल पे डायलॉग या सेंसिटिविटी दिखाई जानी चाहिए थी वो लेवल ऑफ दिख नहीं रहा है। क्योंकि आप जामिया मिलिया इस्लामिया को देखें, जो CNRC के टाइम से यूनिवर्सिटी जो बंद है, अभी तक उसका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। और अभी एक वीडियो वायरल हुआ था IIT खड़गपुर का, जिसमें एक प्रोफेसर है जो काफ़ी इनसेंसिटिव वे में बात कर रही है, जो जिनका कंसर्न ये है कि स्टूडेंट जिसकी फैमिली में कोविड से डेथ हुई है वो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो उसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा कास्टिस्ट स्लर दे रही हैं, या फिर और वो एक लेवल ऑफ इनह्यूमेन एंड इनसेंसिटिव एटीट्यूड है जो उस प्रोफेसर का दिखा है। तो इस टाइम पे प्रोफेसर हो या फिर जैसे JNU, देर आर मेनी प्रोफेसर्स हु आर डूइंग देयर बिट, हु आर नॉट टेकिंग एनी ऑनलाइन क्लास और एनी एग्जाम, बट दे आर वेरी मच क्लूलेस अबाउट द सिचुएशन। क्योंकि अगर एडमिन से लेकर के अगर एडमिन हो या गवर्नमेंट से उनको बहुत ज़्यादा क्लियर कट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो एग्ज़ाम को भी ज़्यादा दिन तक पोस्टपोन नहीं कर पा रहे हैं, उनका कंपल्शन है फिर वो एग्ज़ाम लेना। सो जो चीज़ लैक कर रही है वो डायलॉग कर रही है, मतलब मिनिस्ट्री से ले MHRD मिनिस्ट्री से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन, वाइस चांसलर का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं दिख रहा है, जहाँ पे एक डायलॉग की गुंजाइश है स्टूडेंट से लेकर के प्रोफेसर से, बिकॉज इट इज़ नॉट अफेक्टिंग ओनली स्टूडेंट्स, इवन प्रोफेसर्स आर डाइंग, इवन पीपल हु आर इन एडमिनिस्ट्रेशन आर डाइंग। सो एक कलेक्टिव लेवल पे प्लेटफॉर्म बनता हुआ नहीं दिख रहा है जिसमें सबके कंसर्न्स को सुने जाए, उसके बाद एक डिसीजन लिया जाए एग्जाम्स को लेकर के हो, या लार्जर एकेडमिक क्राइसिस जो चल रहा है उसको लेकर के हो। क्योंकि जो डिबेट हो रहा है वो सिर्फ एग्जाम पोस्टपोन को लेकर के हो रहा है। अब एग्जाम पोस्टपोन से जो एग्जाम नेट JRF का दिसंबर में होना था वो जून में भी नहीं हुआ है, और बहुत ज़्यादा डायलॉग नहीं दिख रहा है गवर्नमेंट से लेकर के, जो गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करे, जो उनको रास्ता दिखाए कि आगे क्या होने वाला है, क्या गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल पर क्या करने जा रही है। क्योंकि यहाँ पर पैंडमिक से ज़्यादा फ्यूचर की भी बात है जो स्टूडेंट्स का, क्योंकि उनका फ्यूचर रिस्क पे है। और अगर हम पैंडमिक की बात करें तो इंडिया आज सेकेंड वेव से गुजर रहा है। जो फर्स्ट वेव आई थी बहुत सारी कंट्रीज के लिए वो बहुत ज़्यादा लीडल थी एज कम्पेयर टू इंडिया। जैसा कि हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, जहाँ पे अकेडमिया के रोल पे सवाल उठ रहे हैं कि अकेडमिया का जो रोल होना चाहिए था वहाँ अकेडमिया फेल हुआ है, यूनिवर्सिटी से सरकार और यूनिवर्सिटी के लेवल पे जो डायलॉग्स होने चाहिए थे या जो पॉलिसी लेवल पे भी जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं हुई हैं, और जो नीचे लेवल पे हैं जैसे प्रोफेसर्स हैं या फिर उनके रोल्स पे जो सेंसिटिविटी भी आनी चाहिए थी वो भी शायद नहीं दिख रही है, कुछ हद तक है पर वो एक लार्जर लेवल पे जो एज अ कम्युनिटी हमें आना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। जबकि हम फॉरेन यूनिवर्सिटी में बात करेंगे तो बॉस्टन यूनिवर्सिटी इसका एक मिसाल बना है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट स्कूल्स के साथ और स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मिल करके जो ज़रूरतमंद है उनको बहुत सारी चीज़ें हेल्प करने की कोशिश की है, जैसे कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो वो उससे लेकर के। और यहाँ पे इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल होता है वहाँ पर, कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है मेजर इन्फेक्शियस डिजीज रिस्पॉन्स प्लान बनाया था, जिसके अंदर डिफाइन किया गया है क्लियर कट कि किस ऑफिशियल और डिपार्टमेंट के क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। और इसके बियॉन्ड जो स्टूडेंट्स का जो इनिशिएटिव्स था, जो डिफरेंट कॉरपोरेट्स और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से लेकर के वो लोगों की हेल्प कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जो टीचर्स और जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स का जो रोल था वो ये था कि जो कैंपस में सेफ, हेल्दी और एक इंगेजिंग एनवायरनमेंट बना रहे, जिससे
मतलब कि पैंडेमिक में भी एक दूसरे के साथ लोग सोशलाइज हो, लोग इंगेज कर सके, ये नहीं कि एक आइसोलेशन में, मतलब एक कंप्लीट आइसोलेशन जैसा एटमॉस्फेयर रहे। और वही हम बता दें, ग्रेफिटी यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का जो रिस्पांस था फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। वहाँ पे गवर्नमेंट फी हाइक से लेकर के जो है बहुत सारी चीज़ें कर रही थी, जो जिसको उन्हें बाद में प्रेशर की वजह से वापस लेना पड़ा। लेकिन ये चीज़ें थी जब लॉकडाउन था, तो जब जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो जॉब्स कर रहे थे, वो उनकी जॉब्स चली गई, उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहा, तो उसमें जो ग्रेफिटी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, उनके उनके फूड क्राइसिस को मैनेज करने के लिए फूड बैंक जैसे चीज़ों के साथ आते हैं। और उसके बाद जो है केस मैनेजमेंट मॉडल तैयार होता है, जिसमें वो स्टूडेंट्स जो पॉजिटिव हैं उनकी कैसे हेल्प करी जा सके, उस चीज़ के लिए ये चीज़ बनाई गई। और उसके बाद जो इमोशनल और एकेडमिक सपोर्ट के लिए भी बहुत सारी मैकेनिज्म्स अपनाए गए, ताकि लोगों का एकेडमिक अफेक्ट ना हो। तो एक इंडिया में जो गैप दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि वो फॉरेन में भी एग्जिस्ट कर रहा है, और फॉरेन में उस लेवल का डिजिटल डिवाइड भी नहीं है। तो उस टाइम पे शायद एकेडमिक एक्टिविटी कंटिन्यू करना आसान रहा है। और यही चीज़ है जो इंडिया में हमें जिस चीज़ की अभी ज़रूरत है, कि एज अ कम्युनिटी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एकेडमिक्स के लेवल पे ही करें, लेकिन जो समाज को जो ज़रूरत है एज अ सिटीज़न, एज अ ह्यूमन बीइंग, वो भी शायद की जा सके। दिस इज़ व्हाट द नीड ऑफ आवर इज़। दैट्स ऑल। थैंक यू।